देई प्रखंड का यह नज़ारा है और मौका है, समय है। चैती जो छठ होता है बिहार में, खास करके छठ आस्था का महापर्व कहा जाता है, उसी क्रम में चैत महीने में भी यहाँ पर छठ होता है। पूरे हर्षोल्लास के साथ छठ ही मनाया जाता है, परंपरा है। लेकिन जो कोरोना महामारी है उसके चलते ये जो छठ है इसका भी प्रारूप बदल गया है। पहले लोग दूर दूर तक अपने घर से निकल के जो गांव में पोखरा या फिर नदी होता था उसके किनारे जाते थे, लेकिन आज ये है कि लोग अपने छतों पर, अपने दरवाजे पर या घर के आसपास कोई छोटा सा गड्ढा खोन करके और पानी जमा करके और एक दो से अधिक तीन से चार लोग यहाँ पर एक साथ छठ मना रहे हैं। और उसी का ये आप नज़ारा देख रहे हैं, जीरादेई प्रखंड का ये हरपुर गांव है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गांव के बगल में दो चार ही जो छठ की व्यवस्था है वो की गई है। यहाँ पर एक पोखरे लायक पोखरा नुमा ही चारों तरफ से और उसको गड्ढा खोना गया है, उसमें पानी भी एकत्रित किया गया है और बिल्कुल सादे भाव से लोग यहाँ पर छठ व्रत मना रहे हैं। और यही नज़ारा पूरे प्रखंड में है, कोई भी ऐसा छठ व्रती नहीं है जो दूर अपने घर से दूर किसी तालाब या पोखरा या फिर नदी के किनारे गए हों। सारे लोग, अधिकतर लोग अपने दरवाजे पर या फिर उसके बाद से कहें तो अपने छत पर या फिर गांव के बगल में ही अपने किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर इस छठ व्रत को मनाया जा रहा है। और ये प्रकोप है जो देश में, खास करके पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी फैली हुई है, उसी से बचने के लिए, उसी से दूर रहने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका जो अपील है 21 दिनों का लॉकडाउन, लोग अपने छठ व्रत हो या फिर रामनवमी हो या फिर और कोई भी त्यौहार हो उसको ये ध्यान में रखते हुए मना रहे हैं। और लोग खास करके सोशल दूरी यानी सामाजिक दूरी जो बनाकर रखने की बात हो रही है उसका लोग पालन कर रहे हैं। मैं रवि सिंह, ATN लाइव सेवा। माइक समझाइए ऐसे एथी वाला रिकॉर्डिंग वो कर एथी बना के सब भेजा जला कौन सा मतलब है सारा परिस सब तो बोल रहा है रिकॉर्डिंग हो गया जाना के माइक बहुत बड़का इतने कुछ बोलवा दे माइक।